अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा यार्न टर्म्स डेफिनेशंस एंड रिलेशंस। जिस तरह हमने फाइबर की टर्म्स डेफिनेशंस एंड रिलेशंस देखे हैं, अब हम देखते हैं यार्न के। ट्विस्टेड स्टेपल यार्न इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फाइबरस असेंबली। फॉर इट्स डिस्क्रिप्शन वी यूज क्वांटिटीज एज शोन। अब यार्न की कुछ क्वांटिटीज हम देखते हैं, जिस तरह से हमने फाइबर की देखी थी पहले। इसमें फाइबर पैरामीटर्स भी दिए हुए हैं। स्मॉल टी जो जिसको हमने फाइबर फाइननेस से डिनोट किया था, रो को फाइबर डेंसिटी से। इसी तरह यार्न पैरामीटर्स हैं जिनमें कैपिटल टी है, इसको यार्न फाइननेस या यार्न काउंट या यार्न नंबर भी कहते हैं। जी यार्न ट्विस्ट, कि यार्न का जो है ट्विस्ट कितना है, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। कैपिटल डी यार्न डायमीटर, ठीक है। और एन नंबर ऑफ फाइबर्स इन यार्न, कि ये जो एक यार्न है ये इसके अंदर कितने फाइबर्स हैं, ठीक है, और इसका कितना डायमीटर है। यार्न फाइननेस, यार्न काउंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड वैल्यू। यार्न काउंट जैसे पहले भी हमने बताई थी कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इससे पता चलता है यार्न कितना फाइन है या कितना कोर्स है। द रेशियो ऑफ फाइबर वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ करेक्टराइजेस द यार्न साइज ज्योमेट्रिकली। फाइबर वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ से उसका साइज पता लगता है, ज्योमेट्रिकली इसका साइज किस तरह से है। यार्न फाइननेस इज मोर ओवर इन्फ्लुएंस्ड बाय फाइबर मास डेंसिटी, ठीक है जी। यार्न फाइबर जो है अब वो फाइबर मास डेंसिटी पे भी इन्फ्लुएंस करती है, जैसे फाइबर की फाइननेस डिपेंड करती थी डेंसिटी के ऊपर। देयर फॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू कंपेयर द यार्न्स फ्रॉम डिफरेंट फाइबर्स यूजिंग यार्न काउंट। तो वही बात है जो पहले भी डिस्कस की गई है कि डिफरेंट नेचर के मटेरियल्स को आपस में कंपेयर नहीं किया जा सकता। जिस तरह फाइबर मैंने कहा था कि डिफरेंट मटेरियल का हो, कॉटन का हो, पोलिएस्टर का हो या और कोई केवलर का, तो उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसी तरह यार्न काउंट भी अगर डिफरेंट नेचर का है, कॉटन, पोलिएस्टर या कोई और, जिनकी डेंसिटी डिफरेंट है, उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। इन दिस केस वी कैन कंपेयर ओनली रेशियोज यार्न काउंट टू फाइबर मास डेंसिटी एज शोन। तो इस केस में सिर्फ हम रेशियोज को कंपेयर कर सकते हैं। कौन सी रेशियो को वो देखते हैं, पहले देखते हैं यार्न फाइनेंस है क्या। वो ही फार्मूला है मास पर यूनिट लेंथ जो स्मॉल टी का था, ठीक है। अब मास क्या होता है जी, इसका ये होता है वॉल्यूम और डेंसिटी के इक्वल होता है। ये इसकी वैल्यू पुट कर दी, रीअरेंज किया इसको, तो हमारे पास आ गया जी कैपिटल डी इज इक्वल टू वी ओवर एल और डेंसिटी, और ये रीअरेंज करने के बाद आ गया वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ इज इक्वल टू यार्न काउंट यार्न फाइननेस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो उन्होंने कहा ये यार्न की जो काउंट है और डेंसिटी की रेशियो है, इसको कंपेयर किया जा सकता है। इन दिस केस वी कैन कंपेयर ओनली रेशियोज ऑफ यार्न काउंट टू फाइबर मास डेंसिटी, ठीक है, जो ये दिखाई गई है। सब्सटेंस क्रॉस सेक्शन, ये अब एक यार्न दिखाया गया है और उसका क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है जिसमें मुख्तलिफ फाइबर्स मौजूद हैं, ठीक है। अब हमने इसका क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करना है, वो किस तरह से कर सकते हैं वो हम देखते हैं। इसको एक सब्सटेंस कहा गया है, इस सब्सटेंस के क्या क्या क्रॉस सेक्शन होगा वो हम देखते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम फाइबर का एक एलिमेंट्री यूनिट लिया था, उसकी कुछ हाइट थी तो वो हमने उस लिहाज से किया था, इसी तरह इसका भी करेंगे। लेट अस कंसीडर एन एलिमेंट्री शॉर्ट पार्ट ऑफ यार्न। वी कॉल द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल फाइबर सेक्शंस इन यार्न क्रॉस सेक्शन एज सब्सटेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ यार्न। ये वही डेफिनेशन है कि सब्सटेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो क्या चीज है, वो जी सम ऑफ ऑल एरियाज ऑफ ऑल फाइबर्स, ठीक है। अब ये तमाम जो फाइबर्स हैं, इनके तमाम जो एरियाज हैं, उनको जब सम किया जाएगा तो वो हमारे सब्सटेंस का क्रॉस सेक्शन आ जाएगा विदाउट एयर, ठीक है। तो विदाउट एम्प्टी स्पेसेस जो आएगा वो सब्सटेंस क्रॉस सेक्शन होगा। मैं फॉर एग्जांपल एस जी हमारा है जी सब्सटेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ यार्न। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एस क्या है जी, ये सम है तमाम स्मॉल जो फाइबर के क्रॉस सेक्शन है उनका, ठीक है, आई से लेके एन तक। और जी वॉल्यूम, वॉल्यूम का डिफरेंशियल वॉल्यूम वेरी स्मॉल वॉल्यूम जो है वो सम है तमाम फाइबर्स के क्रॉस सेक्शंस का इनटू डिफरेंशियल लेंथ, ये जो उनकी लेंथ होगी,
लास्ट टाइम भी फाइबर के अगेंस्ट भी हमने इसी तरह से वॉल्यूम कैलकुलेट किया था। आप इसको डिफरेंशियल लेंथ को बाहर ले लेते हैं, समेशन ऑफ ऑल फाइबर क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू कैपिटल एस, जैसे हमने यहाँ डेफिनेशन में बताया कि तमाम फाइबर्स का क्रॉस सेक्शन वो सबस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया के बराबर है, तो ये डी एल इंटू एस आ जाएगा। ठीक है, आगे मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डी एम जो डिफरेंशियल मास है आपको वॉल्यूम, डिफरेंशियल वॉल्यूम और डेंसिटी के बराबर होता है। आप डिफरेंशियल वॉल्यूम जो है हमारे पास डिफरेंशियल लेंथ और ये एस सब्सटेंस क्रॉस सेक्शन के बराबर है, तो ये आ गया डी एल एस और मल्टीप्लाई हो रहा है डेंसिटी के साथ। कैपिटल टी जो यान फाइननेस है वो मास ओवर लेंथ है, तो डी एम बाई डी एल जब हम करेंगे तो उसके बाद डी एम की वैल्यू इसमें पुट करेंगे जो है डी एल एस पी, ये ऊपर अभी कैलकुलेट की है, डिवाइडेड बाई डी एल, डी एल डी एल कट जाएगा तो ये एस पी के बराबर आ जाएगा। इनके यान की फाइननेस या यान काउंट बराबर है सब्सटेंस क्रॉस सेक्शन इंटू डेंसिटी। ठीक है, तो अब आ गया जी सब्सटेंस क्रॉस सेक्शन किसके बराबर आ गया जी हमारा, इट इज शोन दैट द सब्सटेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ यान इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ यान काउंट टू द फाइबर मास डेंसिटी और फाइबर वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ ऑफ यान। ये देखिए यहाँ पे अगर हम देखें कि डेंसिटी को अगर हम इसके नीचे ले जाएं ये टी बाई डेंसिटी आ जाएगा, और ये हमने लास्ट स्लाइड पे हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है कि ये बराबर होता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ के। तो सब्सटेंस क्रॉस सेक्शन जो है हमारा बराबर आ गया जी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ यान काउंट टू फाइबर मास डेंसिटी, ये यान काउंट टू फाइबर मास डेंसिटी। इसी तरह से अगर हमने डायमीटर निकालना हो, अभी हमने लास्ट स्लाइड में क्रॉस सेक्शनल एरिया काउंट किया है यान का, क्योंकि इस फार्मूले से निकाल सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़े तो। अब देखते हैं अगर हमने डायमीटर उसका कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे दो डाया है हमारे पास यान के, ये ओरिजिनल फॉर्म है और ये एक फॉर्म है आइडियल फॉर्म है, कंप्रेस्ड फॉर्म विदाउट एयर। ठीक है, लेट अस इमेजिन दैट वी कंप्रेस द यान फ्रॉम सम प्लास्टिक फाइबर्स, प्लास्टिक फाइबर्स है उसको कंप्रेस किया जी, प्लास्टिक फाइबर से मिलकर यान बना, तो उसको कंप्रेस किया, सो दैट वी विल रिमूव ऑल एयर फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द यान, तो इसके अंदर से जितनी भी एयर है या एम्प्टी स्पेसेस हैं वो खत्म होगी। विदाउट एयर ये यान का डाया बना। ठीक है, इसको कहेंगे डी एस सब्सटेंस डाया, और ये कैपिटल डी ओरिजिनल डाया विद एम्प्टी स्पेसेस और एयर। Then the yarn cross-sectional area will be equal to the substance cross-sectional area. अब जो यान का क्रॉस सेक्शनल एरिया था, मतलब ये फाइबर्स को कंबाइन करके जो हमने निकाला था लास्ट टाइम, अब ये किसके बराबर होगा, इस सब्सटेंस के क्रॉस सेक्शनल एरिया के। ठीक है, क्योंकि इनमें एयर नहीं है, एंड हेंस द कंप्रेस्ड यान विल हैव द सब्सटेंस डायमीटर। अब इस कंप्रेस्ड यान का डायमीटर जो होगा वो सब्सटेंस डायमीटर होगा। The diameter of real yarn is higher than the substance diameter. ये real yarn का diameter जो है with empty spaces is always higher than this diameter. ठीक है, अब capital S जो है ये हमें पता है कि formula इसका क्या होता है, pi d square by 4. अगर इसका ring form का yarn का मैं cross sectional area निकालूं तो उसका formula है pi d square by 4. पाई आर स्क्वायर होता है, आर की वैल्यू डी बाई टू ली, उसका स्क्वायर लिया तो पाई डी स्क्वायर और फोर हो गया। अब इसके डाया को सब्सटेंस डाया से हमने डिनोट किया डी एस से, तो पाई डी एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा अब इसको अगर रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास सब्सटेंस डाया आ जाएगा डी एस इज इक्वल टू फोर एस डिवाइडेड बाय पाई होल का स्क्वायर अंडर रूट, और एस की वैल्यू जो लास्ट स्लाइड में हमने कैलकुलेट की है ये कैपिटल टी बाय डेंसिटी फाइबर डेंसिटी आ गई। इसी तरह द रेशियो ऑफ यार्न फाइननेस काउंट टू फाइबर फाइननेस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वांटिटी एंड इज कॉल्ड रिलेटिव फाइननेस ऑफ यार्न। रिलेटिव फाइननेस ऑफ यार्न क्या होती है जी, रेशियो दो रेशियो है बिटवीन यार्न फाइननेस कैपिटल टी एंड फाइबर फाइननेस। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम जी रिलेटिव फाइननेस ऑफ यार्न, तो टाउ से इसे डिनोट करते हैं इज इक्वल टू, अब ये कैपिटल डी की वैल्यू क्या है जी कैपिटल एस और फाइबर डेंसिटी, और स्मॉल डी की वैल्यू है स्मॉल एस और फाइबर डेंसिटी, तो इनको कट करेंगे तो हमारे पास टाउ की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल एस और स्मॉल एस।
कैपिटल एस की वैल्यू है अभी ये निकाली है पाई डी एस स्क्वायर बाय 4 और इसकी स्मॉल एस की वैल्यू पाई डी स्क्वायर बाय 4। इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टाउ की। टाउ जो है रिलेटिव फाइनेस ऑफ यार्न है कि कैपिटल डी एस स्क्वायर कैपिटल डी एस बाय स्मॉल डी होल का स्क्वायर। तो ये दो डायमीटर्स की रेशियो आ जाएगी, ठीक है, दो फाइननेस की रेशियो इवेंचुअली दो डायमीटर्स की रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगी और उनके स्क्वायर में। नेक्स्ट है पैकिंग डेंसिटी ऑफ यार्न। पैकिंग डेंसिटी जो है यार्न की ये हम निकालते हैं जी, जैसे लास्ट टाइम हमने निकाली थी पैकिंग डेंसिटी क्या होती है, इट इज अ रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स, दो वॉल्यूम्स का रेशियो की रेशियो है ये। इफ अवर पैकिंग डेंसिटी इन द यार्न कैन बी ड्राइव बेस्ड ऑन इट्स डेफिनेशन एंड इक्वेशन आई डिस्कस बिफोर। तो सेम डेफिनेशन जो लास्ट टाइम हमने देखी थी और इक्वेशन देखी थी उनसे निकालेंगे, वी बाई एल इज इक्वल टू टी बाई फाइबर डेंसिटी इज इक्वल टू एस, और कैपिटल वी जो है हमारा इसमें इसको रीअरेंज करें तो यह आ जाता है टी एल डिवाइडेड बाई डेंसिटी और ये टी 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 बाई डेंसिटी एस के बराबर है। तो वॉल्यूम जो हमारा आ जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। वी जो है वो हमारा जी टोटल वॉल्यूम ऑफ यार्न है, ये बराबर है जी कैपिटल एस इंटू एल। वी सी जो है टोटल वॉल्यूम ऑफ यार्न इंक्लूडिंग एम्प्टी स्पेसेस, ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था, ये होगा जी एस सी बाय एल, ठीक है। तो एस सी की वैल्यू हम देखेंगे, एस सी की वैल्यू क्या है, यार्न क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्लूडिंग एयर, ये जिसमें एयर भी मौजूद है, ये होगा पाई डी स्क्वायर बाय 4, क्योंकि जो नॉर्मल डायमीटर है यार्न का वो डी है, ठीक है, और जो सब्सटेंस डायमीटर है विदाउट एयर वो डी एस है। इसको कंफ्यूज नहीं करना आपस में दोनों डायस को। तो सिंपल एस की वैल्यू क्या होगी, जो यार्न क्रॉस सेक्शनल एरिया है, सब्सटेंशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कहा गया है इसको, ये होगी जी पाई डी एस स्क्वायर बाय 4, ये वाला डाया यूज हुआ है इसमें, ठीक है। अब अगर मैं पैकिंग डेंसिटी देखूं जो कि रेशियो है कैपिटल वी और डिवाइडेड बाय वी सी की, तो मैं देखूंगा यहाँ पे v की वैल्यू एसएल मैंने पुट की, वी सी की वैल्यू पुट की पाई डी स्क्वेयर, यहाँ पे दी गई है वी सी की वैल्यू पाई डी स्क्वेयर बाय 4, ठीक है। तो इसको रीअरेंज किया मेरे पास 4s डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वेयर आ गया, और s की वैल्यू जब पुट कर दूंगा t बाय p तो ये मेरे पास पैकिंग डेंसिटी ऑफ यार्न की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से अगर मैं देखूँ अल्टरनेटिवली कि मैंने जी यहाँ पे पैकिंग डेंसिटी में ये 4s बाय पाई डी स्क्वायर आया था मेरे पास, यहाँ पे इस s की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं जो कि है पाई डी एस स्क्वायर बाय 4, ठीक है, तो मेरे पास ये रीअरेंज करने के बाद दो डायमीटर्स की रेशियो का स्क्वायर आ जाएगा जो है पैकिंग डेंसिटी, सब्सटेंस डाया और यार्न डाया विद एयर स्पेसिस इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसी यार्न डायमीटर को हम लिख सकते हैं इस तरह से, लिख सकते हैं कि इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 4s डिवाइडेड बाय पाई और म्यू पैकिंग डेंसिटी होल का स्क्वायर रूट, जबकि ये जो वैल्यू है इसको दोबारा से देखते हैं रीअरेंज करके, ये इस फॉर्म में आती है, इसमें ये वाला जो हिस्सा है इसको एक कांस्टेंट से कांस्टेंट के इक्वल लिया गया, जिसे कि s कहते हैं, इसे एरियल मल्टीप्लायर भी कहता है कहते हैं, ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं और ये वेरिएबल है जो चेंज होती है। इसी तरह s की वैल्यू अगर हम पुट करें t बाय डेंसिटी फाइबर डेंसिटी, ठीक है, तो हम देखेंगे जी कि इसमें अब क्या क्या चीज कांस्टेंट फिक्स हैं और कौन सी वेरिएबल है, सिर्फ जो कैपिटल T है इसको बाय लिया गया ये वेरिएबल है, बाकी सारी चीजें फिक्स हैं, तो इसको भी एक कांस्टेंट के इक्वल लिया गया है कि जो कॉमन मल्टीप्लायर है। अच्छा, इसमें थ्योरी में देखते हैं अब हम क्या लिखा है जी, फाइबर पैकिंग डेंसिटी ऑफ यार्न इज आल्सो पॉसिबल टू ड्राइव अल्टरनेटिवली बाय यूजिंग द सब्सटेंस डायमीटर, जैसा कि यहाँ पे हमने किया पहले लास्ट टाइम, हमने यहाँ पे दूसरा क्रॉस सेक्शन लिया था, यहाँ पे अगर हम पिछली स्लाइड में जाएं तो देख सकते हैं यहाँ पे दो क्रॉस सेक्शन है हमारे पास, एक यार्न क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्लूडिंग एयर एस सी था, एक यार्न क्रॉस सेक्शनल एरिया सिंपल एस है, ठीक है। इसमें सब्सटेंस डाया यूज हुआ है, दूसरे में
ज्ञान डाया विद एम्प्टी स्पेसेस यूज हुआ है। तो हम देखते हैं कि जी अब अगर हम अल्टरनेटिवली ये वाला क्रॉस सेक्शन की वैल्यूज पुट करें तो ये दो डायास का हमारे पास रेशो आ जाती है, सबस्टेंस डाया और सिंपल डाया इंक्लूडिंग एयर। इफ वी नो द वैल्यू ऑफ पैकिंग डेंसिटी इट विल बी पॉसिबल टू इवेलुएट यार्न डायमीटर बाय इक्वेशन एज शोन हियर। तो अगर हमें पैकिंग डेंसिटीज की वैल्यूज पता हो तो ये म्यू जो है तो हम यार्न के डायमीटर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इन इक्वेशन के जरिए, जबकि ये हमने पहले ही ड्राइव किया हुआ है वी ओवरऑल एस के बराबर होता है। तो क्वांटिटीज के एस एंड के आर कॉल्ड एस डायमीटर मल्टीप्लायर्स। तो ये के एस और के जो है ये डायमीटर मल्टीप्लायर्स हैं, ये कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। नोट के एस और एंड और के आर कांस्टेंट ओनली व्हेन द पैकिंग डेंसिटी इज कांस्टेंट। तो जब पैकिंग डेंसिटी किसी भी यार्न की कांस्टेंट होगी, चेंज नहीं होगी, तो ये भी कांस्टेंट ही होंगे के एस और के। नेक्स्ट है जी आर्टिकल्स टू रीड, रीड द आर्टिकल्स विच आर रेलिवेंट टू फाइबर एंड यार्न मॉडलिंग। नेट पे सर्च करें गूगल स्कॉलर पे यार्न और फाइबर मॉडलिंग, इनकी स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री के लिहाज से कौन से मैथमेटिकल मॉडल्स हैं और रिसर्च आर्टिकल्स हैं, क्या उनमें इक्वेशंस दी गई हैं, क्या पैरामीटर्स लिए गए हैं स्ट्रेंथ के लिहाज से या कोई और मॉडलिंग के लिहाज से, वो देखें तो स्टडी करें आपको आइडिया होगा। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो एंड विल बी प्रोवाइडेड एज अ स्टेटमेंट। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दी हैं आर्टिकल्स की, ये जी आर्टिकल्स बाय प्रोफेसर बोसलाफ नेशकर एंड डॉक्टर मोहम्मद जुबैर, जिनकी ये बुक है जो मैंने शो की थी, तो उन्हीं के ये कुछ आर्टिकल्स भी हैं। ठीक है, टेंसाइल बिहेवियर ऑफ स्टेपल फाइबर यार्न्स पार्ट वन एंड पार्ट टू थ्री फोर, ये थ्योरेटिकल मॉडल्स मॉडल वैलिडेशन कंपेरिजन बनाया इन्होंने कि स्टेपल फाइबर जो हैं उनकी स्ट्रेंथ टेंसाइल बिहेवियर उनका स्ट्रेंथ का किस तरह का बिहेवियर होता है उसके बारे में। तो ये आप स्टडी करें, कुछ और देखें, इनमें रेफरेंसेस देख दिए गए होंगे तो आपको इन चीज़ों का मज़ीद अच्छा आइडिया हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच जी फॉर योर अटेंशन, आई होप आपको इसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। बाकी आप बुक में से स्टडी करें, आर्टिकल्स देखें, आपको मज़ीद अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। So stay safe and healthy. See you in next class. Allah Hafiz.